पीएम मोदी की तारीफ में कविता सुनाने वाले नेता ने बीजेपी को दिया झटका, खड़े कर दिए 5 प्रत्याशी। नमस्कार, लोकसभा चुनाव 2019 में पहले ही 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी राष्ट्रीय दल नफा नुकसान को देखते हुए अपने एजेंडे को बदल रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता रैलियों में आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी दलों में एकता का अभाव है और एनडीए के घटक दल एकजुट है, लेकिन ये धावा मध्य प्रदेश में फैला होता दिख रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए का हिस्सा पार्टी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में बीजेपी प्रत्याशियों के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने खुद ऐलान किया है कि उनकी पार्टी ने मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उठावले ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान किया है जो इस प्रकार है। रामदास उठावले ने मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उसका बीजेपी में कोई झगड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी से गठबंधन नहीं होने के चलते उन्होंने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बाकी की 24 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। राजनीति गलियारे में अठावले के इस कदम को इस रूप में देखा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इन सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि अठावले ने जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं वह दलित बाहुल्य इलाके हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उठावले की पार्टी के प्रत्याशी वोट काटेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। ज्ञात हो कि उठावले दलित समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। यहाँ आपको बता दें कि रामदास उठावले कई बार सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तारीफ कर चुके हैं। यहाँ तक कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान भी उठावले कविता सुनाकर पीएम की तारीफ कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।